ठीक है, सुनो, हम लोग अभी लाइव है। आज हम लोग बात करेंगे, जब भी आप शूटिंग पर जाओगे, आपको शूटिंग करने का मौका मिलेगा, शूटिंग के लिए जाना होगा, ऐसे समय आपको जो सीन मिलेगा, उस सीन को तैयार करने के लिए आप क्या-क्या करोगे, क्या-क्या करना चाहिए। एक फिल्म में, वेब सीरीज में आपको काम मिल गया या सीरियल में काम मिल गया, आपका सीन या आपकी स्क्रिप्ट आपको पहले ही मिल गई है, अब आप काम क्या करोगे उसको और बेहतर सर करने के लिए? उसका बैकग्राउंड पहले जानेंगे, ये क्या बैकग्राउंड है उसका बैकग्राउंड जानेंगे, और सर उसका बैकग्राउंड जानेंगे, उसके बाद स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद उस स्क्रिप्ट पे हम उस पर रिहर्सल करेंगे, उसके और कौन बाद बोलना चाहेगा? उस कैरेक्टर को बराबर से पकड़ेंगे, क्या कैरेक्टर ओके, है कैरेक्टर को बराबर से समझेंगे, कैरेक्टर को पकड़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कि इसके बैकग्राउंड क्या है, इसको बोलना कैसे कैसे, इसका रहन सहन है। पढ़ते पढ़ते बैकग्राउंड पता चलता है, रहन सहन पता चलता है, उसके बारे में और जानकारी मिलती है। ओके गुड, और दस से 15 बार पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद शूटिंग पे जा रहे हो अभी, तो शूटिंग पे जाने के पहले इतना ही करोगे या इसके अलावा भी कुछ है जो करना ज़रूरी है? प्रैक्टिस तो ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, उसको बार बार करना पड़ेगा। प्रैक्टिस पे जोर देना होगा, एक एक लाइन पर हम काम करेंगे एक्सप्रेशंस के साथ। ओके, मीन्स व्हाट, क्या क्या करेंगे एग्जैक्टली, क्या करेंगे? करेक्ट है, लेकिन क्या आ रहा हो? आवाज़ बंद करो। यस बोलो, आप लाइव हो हमारे साथ साथ, हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी सीख रहे हैं, थोड़ा सा तेज़ बोलो और समझाओ अपने बात को। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, जब भी आप शूटिंग के लिए जाएंगे, आपको मौका मिलेगा शूट करने का, तो किसी भी सीन को पॉइंट बता रहे हैं, कुछ पॉइंट आप भी बता सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। श्रावणी बोलो क्या करना चाहिए, व्हाट यू थिंक? एक एक लाइन पे काम करना चाहिए, कैसे? इमोशनल सीन असेल तर इमोशनल टाकून चा काम चालेल का? बाकीचं इमोशनलच्या व्यतिरिक्त जो स्क्रिप्ट मिला है हमें, पहले उसको पहले बैकग्राउंड को समझना होगा, फिर वो जो अपना हमारा रोल है वो क्यों है, कि क्या है रीजन, उसका पहले सवाल पूछना होगा डायरेक्टर से, क्यों हमें मिला है, जो समय लगे कि इस रोल में ये बोलना जरूरी है कि क्यों जरूरी है इसे करना, ये रोल मिला है, और बैकग्राउंड समझना तो मैं पहले जरूरी है। कैरेक्टर को समझ लिया आपने, प्री वर्क कर लिया, वो कौन है, क्या है, क्यों है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, सब समझ लिया, उसकी एज कितनी है वो समझ ली, कहाँ पर बैठा है, किससे बात कर रहा है वो भी समझ लिया, तो सिर्फ इतना ही करने से आपका कैरेक्टर यूनिक बनेगा क्या? क्या कुछ और करना पड़ेगा? सर उसको उस सीन को जो मतलब जो हमें वहाँ प्ले करना है उसको बार बार करना है, अलग अलग पोज में करना है, उन सभी पोज में से जो बेस्ट हो वो हमें फाइनल करके वहाँ करना है, ये वर्क करना है। ओके, बार बार करना है, रिहर्सल करनी है, और उसके बाद जो अच्छा होगा वो प्रेजेंट करना है। यस सर, सही बताया संजय ने, और आप सभी ने जो बताया वो भी सही है। हम थोड़ा सा आज ना एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। आप सभी और अपने सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं, आप सभी ने शोले मूवी देखी है? यस सर, यस सर। किस किस ने देखी, हाथ ऊपर करो। ओके, अगर शोले मूवी आपने देखी है, जो सब्सक्राइबर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट में टाइप कीजिए यस। शोले मूवी की खासियत क्या है, कौन बताएगा? सब मसाले उसमें मसाला है, कॉमेडी है सर, ट्रेजेडी कॉमेडी, है, ट्रेजेडी, एक्शन, हर चीज़ है, इमोशनल इमोशनल है। और सर हर एक कैरेक्टर है ना, हाँ, वो हर एक स्टोरी बताता है, हर कैरेक्टर स्टोरी स्टोरी बताता बताता है। है। हाँ हर कैरेक्टर एक अपनी स्टोरी बता रहा है। इसके अलावा सर उसमें दोस्ती दोस्ती लिखा है, दोस्ती में भी पावर होती है, वादा करते हैं जैसे एक दोस्त दोस्त के लिए क्या क्या कर सकता है, वो भी लिखा है। दोस्त दोस्त के लिए क्या कर सकता है वो दिखा, एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बात करो, आप एक्टिंग के स्टूडेंट हो,
तो जो एक्टर्स है उसमें जिन्होंने काम किया है उनमें क्या खास था, एग्जैक्टली क्या आपको अच्छा लगा? सर उसमें जितने भी एक्टर्स थे सब ने बेहतरीन एक्टिंग की और एक्टिंग में अपना 100% दिया, और उसके सोलह फिल्म के राइटर ने भी इसका अच्छे तरीके से उसमें जान बहुत अच्छी बात बताई है कि लिखा भी अच्छा होना चाहिए। हम अपनी लाइनें बोल रहे हैं क्या? हम किसकी लाइनें बोल रहे हैं? राइटर ने जो लिखा है वो हम बोल रहे हैं, वो अपनी लाइन नहीं है, तो लिखा हुआ भी अच्छा होना चाहिए तभी एक्टर अच्छा बोलेगा। बट एक्टर ने अपना भी उसमें कुछ खास दिया है और उसकी वजह से वो कैरेक्टर यूनिक हुआ है। हम लोग आज उसके कुछ सीन देखेंगे और वो सीन देखकर आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, तो आप समझना चाहेंगे? आप लोग सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं वो भी समझना चाहेंगे। शोले मूवी के कुछ सीन देखेंगे और उसके बाद हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप समझना चाहते हैं तो टाइप कीजिए यस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी मैं शुरू करता हूँ सीन। आवाज इतना कम क्यों? हाँ कम आता है आवाज। ओके कौन है ये? असरानी साहब है। कैरेक्टर तो सभी को पता ही है ना, वो अलग से बोलने की जरूरत नहीं। YouTube पर लगाओ क्या? YouTube पर आवाज आएगा? अब ये सीन देखिए, इस सीन में पान खाकर बोलना है। आपको क्या लगता है डायरेक्टर ने बोला होगा क्या? कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे उस कैरेक्टर का टोन होना चाहिए, ये सब कुछ डायरेक्टर ने बोला है या एक्टर ने खुद किया है? डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन देते हैं। आप जब सीन करते हो, शूटिंग को जाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रिप्ट मिलती है और इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। जैसे रंग दे दिए, कैनवास दे दिया और उन्होंने बोल दिया स्केच हमने बना दिया, अब आप रंग भरो, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ जो करता है एक्टर, ये उसका काम है। उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना? अरे कोशिश, ये सी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर ये भागने जो तब ना
नीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए। मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे वो बदमाश है मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये है नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए कि सूरमा भाई माफ कर दो उतने माफ कर देता मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या तुम्हें? ये तो इस्तीफा था। आज मेरे तीन फिनाली तो जरा सुबह चले जरा बहुत बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था? मेरे दोनों भगाए चले बाप और मैंने कहा भाई। देखा सीन है ना? अभी इसमें आपने क्या क्या नोटिस किया इनकी एक्टिंग में जरा बताइए। सब्सक्राइबर्स कमेंट कर सकते हैं और स्टूडेंट अभी बताइए मुझे, उसके बाद फिर से एक बार हम सीन देखेंगे। वन टेक में सीन हुआ है और उन्होंने जैसे संभाला उसे पान खा के एक्सप्रेशन देखे मुंह में पान रख के जैसा उन्होंने बताया फिर बोल रहे थे कि मैंने उसका ऐसा ऐसा किया। फिर उसके बाद जब वो देखा कि सामने आ गया है वो तो उसका उनका रिएक्शन जो है तुरंत चेंज हो गया तो वो भी मस्त अच्छा लगा उसका एक्शन रिएक्शन सही था। और ये सर पांच साल का करेक्टर हाँ ठीक है सुरमा भोपाली है बोलो पॉइंट क्या बोलना चाहते हो भूल गए? नहीं सर हम लोग के उधर बिहार में तो पंसारी बोलते हैं इसी जो बात ठीक है। तुमने एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या नोटिस किया क्या समझ में आया बताओ। उसका बोलना एक्सप्रेशन वो दोनों उसको पता नहीं था कि वो दोनों उसके बगल में आ गए वो बोलते जा रहे थे उसके साथ मैंने ये किया वो क्या उसको मारा पीटा ये क्या तो जैसे वो बता रहा था कि मैं इसको ऐसे पकड़ा ऐसे लाया लेकिन जैसे उसने वो दोनों को देखा उसकी हवा निकल गई फिर वो तो सीन हमने भी देखा। सवाल ये है कि यहाँ से आगे जब आप एक्टिंग के स्टूडेंट हो तो आपको सीन को पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। बॉडी को पोस्टमार्टम करते सुना होगा, सीन को भी थोड़ा खराब वर्ड है शब्द खराब है लेकिन पूरा तोड़ के आपको देखना आना चाहिए क्या क्या बदलाव किया एक्टर ने। सबसे पहले तो खुद के बारे में सब मतलब बड़े बड़े जैसे बात कर रहा था मतलब मैंने ऐसे किया वैसे किया फिर बाद में जब भी वो दोनों को देखता है उसकी मतलब हवा ही टाइट हो जाती है उसकी। करेक्ट। देखो अगर फिर से आप देखोगे अभी तो आप ये देखो कि आंखों का इस्तेमाल कैसे किया, दूसरा देखो एक्सप्रेशंस, तीसरा देखो स्पीच बोलने का तरीका फ्लैट है क्या स्पीच उसमें सुर ताल रिदम है क्या नहीं है पॉज है क्या नहीं है राइट टाइम पर रिएक्शन है क्या नहीं है बात इस तरीके से बात हो रही है लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये आदमी मिमिक्री कर रहा है ऐसे लगता है क्या मिमिक्री हो रही है विश्वास होता है क्या नहीं होता है कि ऐसा आदमी होगा 100% होता है ना विश्वास
ऐसे लोग हैं ना बात करने वाले, है ना। तो ये काम जो है ये एक्टर का काम है। रियल लाइफ में ये एक्टर कौन है, क्या नाम है इनका? जगदीप। रियल लाइफ में ऐसी बात करते हैं क्या? पान खाते खाते मुंबई में घूमते थे क्या? उन्होंने ये किस लिए किया? इस कैरेक्टर को उन्होंने बिल्डअप किया ना। जैसे एक प्लॉट पर एक कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डिंग बनाता है, तो वैसे आप उस कैरेक्टर को लाइफ देते हो। सिर्फ डायलॉग याद करके आप अगर बोलोगे तो आपका तो वैसे ही पैकअप होने वाला है। ट्रेंड एक्टर और जिन्होंने एक्टिंग नहीं सीखी, उन लोगों में फ़र्क क्या है? जिन्होंने नहीं सीखी उन लोगों को लगता है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही मैं डायलॉग बोलूँगा और काम बन जाएगा। ट्रेंड एक्टर ये समझता है कि मुझे स्पीच पर क्या काम करना है, डायलॉग डिलीवरी में कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन होगा, कहाँ पर पॉज लूँगा, रिदम क्या होता है डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन का सही इस्तेमाल कैसे करना, आँखों का इस्तेमाल कैसे करना, बॉडी लैंग्वेज को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना, डायलॉग कैसे बोलने हैं, कैरेक्टर के साथ एक्शन रिएक्शन का जो एक्सचेंज होगा वो कैसे करना। तो ट्रेंड एक्टर को गेम पता होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और न्यू कमर जो होते हैं जिन्होंने सीखा नहीं है, अगर उनको पता ही नहीं कि मैं काम क्या करूं तो बेचारे कैसे काम करेंगे। दैट्स व्हाई ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। सो उन्होंने वो हर चीज अपने सीन में डाली है। एक बार हम फिर से देखेंगे। दोस्तों सब्सक्राइबर्स, अगर आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिलता होगा मिल रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाखों रुपए एक्टिंग इंस्टीट्यूट में पे करने के बाद ये सारा ज्ञान दिया जाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ ताकि जो मेरे भाई बहन मुंबई तक नहीं आ सकते वो भी घर बैठ कर सीख सके। सो एक बार हम फिर से ये सीन देखेंगे। तुम दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना? अरे कोशिश, ये सी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी। कैसे बोला है? कोशिश। अरे कोशिश, ये कोशिश। तुम दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना? अरे कोशिश, ये सी। अरे कोशिश, हाई नोट पे उठाया है, हाई नोट पे उठाया है। अरे कोशिश, जो बड़ बोले होते हैं ना, अरे मुंबई जाएगा ना तो मुझे बता, शाहरुख खान से मिलवा देता हूँ तुझे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लो साउंड में बोलते हैं क्या? नहीं। हमेशा एक लेवल अप, हाई पिच में। जान तोड़ कोशिश, देखो जान तोड़ कोशिश में उनका हैंड मोमेंट देखो। जान तोड़ कोशिश, जब तुम बोलते हो और बोलने के साथ राइट जगह पर, ये तो पूरी स्पीच में हैंड मोमेंट देते बैठोगे तो बच्चों वाली एक्टिंग हो जाएगी। चाहिए मगर ये भागने दूं तब ना, मगर मैं भागने दूं तब ना, अगर इसी को अगर बोलते मगर मैं भागने दूं तो ना, मजा आती क्या? ये कोई नहीं है कि लंबो निकला भागने। तो बोलते वक्त जो बोल रहे हैं वो सुनते वक्त ऐसा लगता है कि सच में कोई भाग रहा है। आप जो बोल रहे हो वो ऐसे बोलना है आपको कि सुनने वाले को पिक्चर उसके सामने आ जाए कि हाँ यार ये वाकई इसके साथ हुआ है, ये नहीं कि ये डायलॉग बोल रहा है। मेरा पापा ने टांग तो खींच लिया कि जाते कि नरवा और गैस के दो दिए लफारे कि चलो सारे बस, फिर क्या था, फिर पकड़ लिए दोनों ने, फिर वो जैन ने तुम्हारे पैर पकड़े। अब इसकी दो ही लाइनें हैं ये बंदे की, लेकिन कितनी कन्विक्शन के साथ पूछा है। वीरू और जय वो और तेरे पैर पकड़े, विश्वास नहीं है ना, देखो एक्सप्रेशन है। सो ये भी याद रखो कि तुम्हारा डायलॉग, तुम्हारा रोल कितना बड़ा है या कितना छोटा है वो मैटर नहीं करता। छोटे से रोल में भी आप बहुत कुछ दिखा कर जा सकते हो, सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो। पहले देखा दूसरे को, पहले एक दूसरे को देखा और उसके बाद उसने बात की। मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो, मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो, सवाल था ना, और वो भी डर के पूछा है कि वो बदमाशों से डर लगता है। मैंने तो सोचा बहुत बदमाश है वो। अरे वो बदमाश है मगर हमारा नाम
नामी सूरमा भोपाली ये नहीं है। अब आप समझो कि बेबा के दोनों रोगी हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो उतने माफ कर देना, मगर मुझे इस बात का गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए। अभी आपने अगर देखा होगा तो बच्चन साहब और धर्मेंद्र दोनों पीछे एक्सप्रेशन नहीं है, चुपचाप न्यूट्रल खड़े। एक बच्चा नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें करता है और समझदार लोग पीछे खड़े होते हैं न्यूट्रल चल कर। आपको क्या लगता है वो डायरेक्टर ने बोला होगा ऐसे खड़े रहो? ये एक्टर का काम है ना यार। अगर वो चीज़ें सेट पे जाके तुम पूछोगे सर यहाँ क्या करूँ वहाँ क्या करूँ, तो फिर आप एक्टर किस चीज़ के हो? आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? आप जो हंसते हो ना जब इनकी रिएक्शन आती है तो उन दोनों की रिएक्शन भी उसमें बहुत मैटर करती है। मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ आप लोगों को और कोई काम दिए कि नहीं? दिन भर दिए गए थे और 25 झूठ। अभी यहाँ पर उनको डायरेक्टर ने बताया होगा कि आराम से बैठकर बात करने वाला बंदा अचानक खड़ा होकर बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिनके सामने इमेज बिल्ड कर रहा था, जिनके सामने बढ़ा रहा था बड़ी बड़ी बातें, उन्हीं के सामने इंसल्ट हो गई। तो सबसे पहले किसको भगाएगा? उन लोगों को भगाए। आप घर में बैठे हो और बड़ी बड़ी मैं अभी इधर बंगला लिया है मैंने वर्सोवा में और उस बंगले का काम चल रहा है। उतने में आप जिस घर में रहते हो उसका ओनर आता है, अरे 2 महीने का रेंट दिया नहीं कब देगा? तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? आप जाइए। तो वैसे खड़े होके वो बोल रहा है कि भैया तुम चले जाओ यार, हमारे आपस की बात है। मूड चेंज किया, एक ही मूड में बोल रहा है क्या? पहले एक मूड था अपनी बड़ी बातें बताने का, अब क्या हुआ? अब जमीन पर आ गया, बोलना बदला, बॉडी लैंग्वेज बदली, एक्सप्रेशन बदला, सब कुछ बदला। देखो अच्छे से करेक्ट क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? वन बाय वन एक एक बंदा बताओ इस सीन को देख के आपको क्या समझ में आया? सब्सक्राइबर्स कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं दूसरा दिखाने वाला हूँ, एकदम कॉन्ट्रास्ट। ही वॉज फुल ऑफ लाइफ है ना, कॉमेडी मस्ती वाला कैरेक्टर। दूसरा इंटेंस है, किसका? इसी फिल्म में दूसरे कौन है? ठाकुर साहब संजीव कुमार, सीरियस। लेकिन उनकी भी एक्टिंग उतनी पावरफुल है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उनके एक्टिंग में है उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक आपको इस सीन को देखकर क्या समझ में आया शेयर करो। सर उन्होंने एक मूड में नहीं बोला, जो भी लाइन बोली उन्होंने एक मूड में रंग के नहीं बोला, उन्होंने टाइम टू टाइम अपना एक्सप्रेशन मूड सब दोनों साथ में चेंज किया। और उनका हैंड मूवमेंट जो था बार बार नहीं, जैसा जो जहाँ सही लगा उन्हें भी यहाँ उठाना चाहिए तो उन्होंने बराबर उठाया। और जो जो बात को जो लाइन को लंबा खींचना था उन्होंने वैसे भी लंबा खींचा, जिससे मतलब एक सुर आया उसमें, अच्छा लगा देखने में। ओके और कौन बोलेगा? सर अनिता ने लाइन से पिच पर पकड़ ली। कैसे? थोड़ा इलेबरेट करो, एक लाइन में नहीं बोलना है, समझाओ। पिच मतलब तुझे क्या करना है, असल में एग्जांपल दिया तर मग तुझे तो वर्ड हाईलाइट केला आणि तो वर्ड हाई पिच मध्ये घेतला आणि क्या करना है थोड़ा लो घेतला असं तरी ते पण केलं। ओके गुड नेक्स्ट। यस बोलो। सो मेरा बहुत बढ़िया मान रही थी यार, रख बन गया कुछ का लंबे डाल दिए थोड़ा बहुत अच्छा एक्टिंग किया फिर अच्छा। दाल हमें पसंद नहीं आती, दाल तड़का हमें पसंद आता है ना? हाँ, क्यों आता है पसंद? मसाला ज्यादा होता। नेचुरल एक्टिंग करने का मतलब उसको बोरिंग करना ऐसा होता है क्या? नहीं।
तो क्या करना होता है उसको? उसे अच्छा इंटरेस्टिंग करना। इंटरेस्टिंग करने का मतलब क्या है? अभी जो मैंने समझाया वही बताना है आपको। सर लाइन को एक ही तरह नहीं बोलना है, उसे सुर देना है, एक्सप्रेशन चेंज करना है, मूड चेंज करना है। एक ही मूड में करेगा तो फिर वो मजा नहीं आएगा, देखेगा फिर बोर हो जाएगा। अलग अलग मूड में करेगा तो फिर वो देखने में भी मजा आता है। और वो डिपेंड करता है आप, करेक्ट? यस। क्या कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो उस पर वो डिपेंड करता है। ओके इतना ही देखो फिर से। ओके संजू, संजू कुमार का जो ठाकुर था वो बॉलीवुड का सबसे बढ़िया ठाकुर है। एक कैरेक्टर आपने देखा कि जो मस्त मौला था सुरमा भोपाली, और दूसरा कैरेक्टर एकदम सीरियस, एक्टिंग नाम की कोई चीज़ नहीं। जो जो बोलते हैं ना कि कुछ आंखों का इस्तेमाल करो, एक्सप्रेशन, बोलने में सुर ताल रिदम सब ऐड करो, लेकिन कुछ तो बात है उनकी एक्टिंग में, कुछ तो खास बात है, वो क्या है? आई कॉन्टैक्ट मीन्स एक्सप्रेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंखें और एक्सप्रेशन कैसे समझाओ? मतलब आंखें मतलब एक्सप्रेशन में सभी आ गया, मतलब वो अपने हाथ पांव तो है नहीं उनके, मतलब हाथ तो है नहीं तो हाथ से तो कुछ ऐसा इशारे कर नहीं सकते, तो उनकी आवाज, उनका जो डायलॉग डिलीवरी है और वो एक्सप्रेशन ऐसा देते हैं कि वो बिना कुछ हाथ बात के इशारों के बिना ही आदमी को समझ। ओके, अजय देवगन के बारे में भी यही बोला जाता है कि आंखें ही काफी है, उनको देखकर ही पता चल जाता है कैरेक्टर। तो इसको क्या बोलोगे आप, इस एक्टिंग को क्या बोलोगे फिर? नेचुरल एक्टिंग है, रियलिस्टिक एक्टिंग है ना। शोले कब आई थी? 75 में पैदा भी नहीं हुए थे हम लोग, है ना। हम बच्चे, आप नहीं। डिपेंड कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग तुम्हारी एक्टिंग होगी, तुम्हारे एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी, हर चीज। ऐसा क्यों किया ये कारण अभी तक बताया नहीं आप लोगों ने फिर भी? बदले की भावना। बदले की भावना, करेक्ट है। क्यों? तुम लोग एक लाइन में क्यों बोलते हो मुझे समझ में नहीं आता, जरा समझाओ ना मुझे अच्छे से। बदले की भावना इसलिए है सर क्योंकि उसके पूरे परिवार को, उसके बहू, उसके बच्चे, सबको उसने मार दिया। करेक्ट। अब जिस बंदे के घर परिवार सबको मार दिया जाए वो ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? हमें जब खबर मिलती है कि अपने घर में, परिवार में कोई करीबी इंसान अगर चला गया तो हम शॉक हो जाते हो ना, शॉकिंग मोमेंट हो जाती है। और वो तो एक ईमानदार अफसर थे, वो तो छोटी सी
जो उनकी गलती भी नहीं थी, गब्बर सिंह ने जो उनके साथ रिवेंज लिया, उस रिवेंज की वजह से गब्बर सिंह ने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद ये इंसान ऐसा नहीं होगा तो कैसे होगा? आंखें बोलती है आंखें। सबसे इम्पोर्टेंट एक्टर की क्या है? आंखें। किसी एक्टर को आप देख रहे हो, वो अच्छा एक्टर है, हम उसके नाक को देख के डिसाइड करते हैं क्या? गाल, बाल, आंखें, आंखों में हम देखते हैं कि वो भाव नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये उनके एक्टिंग की खासियत है, उनके बोलने में ठहराव है। जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, थॉट प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस यही है कि जो तुम बोलने जा रहे हो उसके पीछे की पूरी कहानी तुम्हें समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, उसका प्रीवर्क करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि सब कुछ मेरे ही साथ हुआ। उसके बाद आता है डायलॉग को साफ सुथरे तरीके से बोलना, उसको रिदम में बोलना, एक्शन रिएक्शन और वो सारी चीज़ें, बात किस स्टेज पे हो। कभी ऐसा होता है क्या कि हम हमें कहीं जाना है बाहर और हमने कपड़े हम सीक्वेंस में पहनते हैं क्या? नहीं। कभी ऐसा होता है लड़के ने जीन्स पहन ली और फिर बाद में चड्डी ऊपर से पहन रहा है, शर्ट पहना बनियान उसके ऊपर से पहन रहा है, ऐसा होता है? एक सीक्वेंस होता है ना कपड़ों का, तो वैसे ही एक्टिंग का भी सीक्वेंस होता है। पहले स्क्रिप्ट आती है, उसके बाद आपका कैरेक्टर, फिर उसका उसको समझना, फिर कैरेक्टर को डिज़ाइन करना, फिर प्रैक्टिस करना, उसके बाद शूट करना। और ऐसे नहीं कि सेट पर गए और काम हो गया। फिल्म, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, अच्छे प्रोजेक्ट जब करोगे तो आपको पहले ही स्क्रिप्ट दी जाएगी और उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। अभी एक और सीन मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अपने आमिर खान का, रंगीला मूवी का, वो भी देखो और एक और देखेंगे कंगना रनौत का। दोस्तों जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं इस सेशन को, आप कुछ सीख रहे हो तो मैं इसको कंटिन्यू करूं? अगर आप चाहते कंटिन्यू करो तो प्लीज टाइप यस। ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये सीन। चलने तू भी होनी कर। सबसे पहले सीन देख लेंगे पूरा, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, जो सब्सक्राइबर इस वक्त देख रहे हैं अच्छे से देखिए दोस्तों, बहुत कुछ लर्निंग है इस सीन में। चल नहीं तू भी बोनी कर, बोलो मैं दिया उसको। मुन्ना लेकिन इतनी बड़ी कुटिंग में आया कि क्या सुबह? अरे आज अपुन तेरे को दिखाते लाइव क्या होता है। चौबीस घंटे खुला रहता होटल। हाँ बहुत बार कर चल गया क्या? खाने को कहाँ मिले? चल। अरे यहाँ सब लोग अपुन को जानता है। हाँ कहाँ बैठे बोल? हाँ बैठ ना। क्या बोलता है? ये तो पीछे जा रही है। मुन्ना। अरे बोला है क्या? ए कमी इधर आ। सर। यस सर। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? करेक्ट या? यस सर। वुड यू लाइक टू प्लेस एनी ऑर्डर सर? गुड गुड। अरे मुन्ना वो पूछ रहे हैं तुम क्या खाना खाओगे। अरे तो हिंदी में बोलना क्या है, खाने को क्या है? सर वुड यू लाइक टू ट्राई और रशियन सलाद और फ्रेंच फ्राइज और समथिंग लाइक दैट? अरे वो अंग्रेजी आइटम नहीं चाहिए हमको, ऐसा कुछ जो आम पे लगे। एक काम कर, पहले तो एक प्लेट कांदा काट के ला और भेजा फ्राई, उसल पाव, मैदा करी और एक जिंदा राइस। मुन्ना क्या बात कर रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ नहीं मिलती? नहीं मिलती? नो सर। अरे क्या थकेला जाएगा ये? क्या खाली टेबल कुर्सी पे खर्चा किया? खाने पे नहीं। अच्छा एक काम कर, जो तेरे दिल को अच्छा लगे वो ले गया, बिंदास 5-6 आइटम, बहुत माल है अपने पास।
ऐसा हो जाएगा तू खाने वाला फैन चालू कर ना एसी ऑन सर एयर कंडीशन चालू तो इधर घुमा ना अरे मिली वो चिकोड़े का दीपक है ना दीपक अरे वही ना जो वो तुम मिले मिला था उनको हाँ वो साइकिल वाला हाँ वही क्या हुआ उसको अरे उन्हें का क्या है सेटल हो गया लाइफ सेटल हो गया सेटल बोले तो शादी हो गया उसका शादी हो गया उसका किससे वही जो उसके वो मोहल्ले में लड़के थे ना वो चमेली का हाँ शादी का था दोनों ने हाँ बहुत खुश है दोनों अपन भी यही बोलते हैं लाइफ में सेटल हो जाना होता है हाँ वो तो है तू भी यही मानती है ना अपन भी यही मानते हैं लाइफ में सेटल हो जाना होता है क्या लाइफ में सेटल रहेगा ना तो जिंदगी सेटल हो जाएगा मुन्ना ये क्या सेटल सेटल क्या लगा रखा है अपन अपन क्या बोलता है अपन ये बोल रहे हैं कि तू भी एक मानती है ना कि लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है अपन भी एक मानता है कि लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है बोले तो अभी अभी देख अपन तेरे को क्या बोलता है अपन तेरे को इतना ही बोलता है ना कि लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है कमल जी बच्चों बाय यहाँ पे से मैं मेरे एक दोस्त के साथ आई हूँ मुन्ना हाय हेलो अंदर पार्टी कैसा करते हैं कमल जी आप यहाँ कैसे वो कमला कर रहा हूँ मैं मिल गया कमला कर रहा हूँ डर क्या कमला कर रहा हूँ ओह मिलना चाहती हाँ मैं मिलना चाहती हूँ तो चल अभी वन मिनट ठीक है मुन्ना मैं अभी आती हूँ चलिए चलिए बाय देखो ये रंगीला मूवी है आमिर खान की आई थिंक 95 में आई थी 95 में हाँ तो अभी इसमें आमिर खान इस लड़की से बहुत प्यार करता है और लड़की को हीरोइन बनना है हीरोइन बनती भी है और आमिर खान इससे बहुत प्यार करता है मुन्ना नाम का कैरेक्टर है लेकिन बोलने में थोड़ा झिझक रहा है तो उसने क्या सोचा कि इसको मैं इम्प्रेस करूँगा बड़े से 5-स्टार होटल में लेकर आया लेकिन उसको पता ही नहीं कि यहाँ पर क्या क्या होते हैं खाने पीने के लिए क्या मिलता है क्या नहीं मिलता लेकिन अब इम्प्रेशन तो जमाना है ना लड़की पे इम्प्रेशन तो जमाना है इम्प्रेशन ख़राब नहीं कर सकता तो चलने से लेकर फाइनल तक कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपको भी अपने एक्टिंग में करनी है जब कभी कोई कैरेक्टर करने का मौका मिले तो क्या क्या बदलना है कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आमिर खान रियल लाइफ में ऐसे है क्या नहीं है देखो चलने से ही एक्टिंग शुरू हो गई ये डायरेक्टर ने बोला एक्शन चल ले तू भी बोनी कर शुरुआत हो गई ना कैरेक्टर की एंट्री हुई अब कैरेक्टर एंट्री हो गया चुपचाप बगैर बोले आने लगा तो बहुत बड़ा वॉक है और वन टेक में 35 सेकंड का ये सीन है इट्स अ वन टेक सीन तो बीच में आमिर खान ने देखो कहीं पर भी बोर नहीं होने दिया है अब सबसे पहले आप देखो ये एंट्री देख ली चल ले तू भी बोनी कर जोरों में दिया उसको मुन्ना लेकिन इतने बड़े होटल में लाने की क्या जरूरत अरे आज अपन तेरे को देखा था लाइफ क्या होता है डबल घंटे को रहता होटल हाँ बहुत माल खर्चा किया क्या आने को कहाँ मिलेगा हाँ चल अरे यहाँ सब लोग अपन को जानता है हाँ कहाँ बैठे बोल क्या बैठे हाँ बैठना क्या बोलता है यहाँ तक ये वन टेक था 33 सेकंड तक वन टेक था क्या था कि हीरो हीरोइन 5-स्टार होटल में एंट्री कर रहे हैं और जाके बैठे हैं बीच का जितना भी किया माय डियर फ्रेंड्स वो आमिर खान ने किया है इसीलिए एक्टर बोलते हैं एक्टर कल आपको भी वैसे ही आप जो सीन कर रहे हो उसमें जान डालनी है
अब क्या क्या किया एक बार फिर से देखो, मैं बीच में बताऊंगा। एंट्री पे प्रॉपरली बात की है, चलने का स्टाइल देखो, जेब में हाथ, बेल्ट को ऊपर लिया है, लहरा के चल रहा है, ऐसे दिखाया चलने में कि जैसे रोज का आना जाना है, हालांकि पहली बार आया है। बातें की है, खुला रहता है होटल वगैरह वगैरह, बड़ी बड़ी बातें। अभी कैरेक्टर दिखा ना होटल में, तो इनका क्या है, जो लाइक छोटे से गली मोहल्ले या छोटी सी जगह पर जो लोग रहते हैं ना, उनमें आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है कि भाई फोकट का किसी का खाऊंगा नहीं, जो होगा अपने मर्जी से, अपने खुशी से काम करूंगा और अपने रूल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीऊंगा। तो देखा तो उसको लगा ये मुझे कम तो नहीं आंक रहा है क्या, अरे क्या पूछा है देखो। हाँ, ये डायरेक्टर ने बताया होगा क्या, ये उनका खुद का काम है। अरे यहाँ सब लोग अपन को जानता है, देखो अरे यहाँ सब लोग अपन को जानता है, उनको इतना ही पता था कि वन टेक है और बीच में मुझे उसको लाइफ देनी है उस सीन को। हाँ क्या बोल, क्या बोलता है ये तो पीछे रहेगी, यहाँ पे ये सीन कट हो गया। हाँ बैठने का, और दूसरा क्लोजअप लिया है समझे, ऐसा नहीं कि ये इसी में कंटिन्यूटी चली, तो दूसरा सीन अलग से आमिर खान को फिर से बैठ के पीछे जाना पड़ा होगा। तुम्हें क्या लगता है ये डायरेक्टर ने बोला, ये एक्टर का काम है, एक्टर को लगा यहाँ पे साला कॉमेडी हो सकती है, यहाँ पे एक छोटी सी एक्शन से कॉमेडी बन सकती है। कॉमेडी कभी की नहीं जाती, ऑटोमेटिक होती है, सिचुएशन में कॉमेडी बन जाती है। अब ये बैठा, और अगर लड़की रिएक्शन ना देती, आमिर खान बैठा, मुन्ना पीछे चला गया, लेकिन उर्मिला अगर रिएक्शन ना देती तो मज़ा आता क्या इस सीन में? तो स्पेशल कैमरा लगाया जाएगा आपके चेहरे पर, ऐसा नहीं कि आप आए और होटल में एंट्री हुई और वन टेक सब के सब शूट हो गया। इतना ही सीन करने के लिए कुछ बहुत कम से कम एक दिन चला गया होगा या 4-5 घंटे चले गए होंगे, मास्टर लिया होगा, फिर क्लोजअप, फिर मिड शॉट, फिर रिएक्शन। तो बगैर एक्टर के रिएक्शन देनी है, वो भी आना चाहिए। ये तो पीछे रहेगी। मुन्ना। अरे भाई क्या? देखो अपना सिंहासन पे बैठा है राजा, उस तरीके से आमिर खान बैठा है, जैसे मैं यहाँ का राजा हूँ, अब 2-5 हज़ार 10 हज़ार जो भी खर्चा होगा चलेगा। ये हो गया बॉडी का काम, है ना, टपोरी थोड़ा सा बिंदास आदमी कैसे बैठेगा, इसी तरीके से बैठेगा, एकदम डायलॉग बोला है क्या बैठे बैठे, ये दो लुक दिए, लेफ्ट राइट कोई है क्या, दिख रहा है क्या, और उसके बाद बात की है। तमी इधर आ सर। यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? करेक्ट, या आमिर खान को इंग्लिश नहीं आती क्या? लेकिन कितना अच्छे से बोला है, या करेक्ट, कि जैसे पता चलता है कि इसको कभी इंग्लिश आ भी नहीं सकती और बोलता भी नहीं होगा। तो वही है कि एक झूठ है जो तुम इस तरीके से प्रेजेंट करते हो कि देखने वाले को लगता है कि यही सच है। यस सर, वुड यू लाइक टू प्लेस? करेक्ट, या यस सर, वुड यू लाइक टू प्लेस एनी ऑर्डर्स? वेटर का इतना छोटा सा रोल है, जैसे मैंने अभी बताया कि छोटे से रोल में भी आप मौके पे चौका मार सकते हैं। देखो किस तरीके से देख रहा है, उसकी नज़रों से पता चलता है कि एक पहली बार बड़े से 5-स्टार होटल में आया हुआ लड़का किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आया हुआ है। कुछ ही लाइन बोल के उसने पूरे सीन में जान डाल दी है उसके रिएक्शन के जरिए। अरे मुन्ना, वो पूछ रहे हैं तुम क्या खाना खाओगे? अरे तो हिंदी में बोलना क्या? मुन्ना, वो पूछ रहे हैं तुम क्या खाना खाओगे? देखो आईब्रोज का इस्तेमाल किया, मुन्ना वो पूछ रहे हैं कि तुम क्या खाना खाओगे, क्योंकि दोस्त है ना, अभी दोस्त का वेटर के सामने इंसल्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, तो उसने भी धीरे से पूछा है, वो समझ आपके अंदर होनी चाहिए। अरे तो हिंदी में बोलना क्या है, मैंने क्या सर, वुड यू लाइक टू ट्राई और रशियन सलाद और फ्रेंच फ्राइज और समथिंग लाइक दैट? अरे वो अंग्रेजी आइटम नहीं चाहिए हमको, ऐसा कुछ जो आपको लगे। एक काम कर, पहले तो एक प्लेट कांदा काट के ला, और भेजा फ्राई, उसल पाव, मैदा करी, और एक जिंदा राइस, शोरबा मार के। ए मुन्ना,
और भेजा फ्राई उसल पाव। देखो कितनी बातें बोली गई है। और एक काम कर पहले तो एक प्लेट कांदा। देखो एक काम कर सुनो, चार आइटम मंगाए है। एक काम कर पहले तो एक प्लेट कांदा कट करके ला, उसके बाद एक ही साथ चार प्रोडक्ट चार बारे में बात नहीं की। देखो और भेजा फ्राई उसल पाव भेजा फ्राई उसल पाव उसके बाद पॉज लिया है बिकॉज यू आर थिंकिंग नो। तुम क्या रटी रटा ये लाइन थोड़ी बोल रहे हो, ऑडियंस को ऐसा लगना चाहिए कि ये पहली बार बोल रहा है, ये नहीं कि तुमने याद करके एकदम अच्छे से बोल रहे हो, वो रियल लगना चाहिए ना। और एक जिंदा राइस और एक जिंदा राइस। इट मीन्स ही इज थिंकिंग कि क्या ऑर्डर करूँ यार क्या बोलूँ। हालांकि स्क्रिप्ट तो पहले ही मिल चुकी है, ही नो वेरी वेल कि मुझे क्या बोलना है। बट ये एक्टर का कमाल है कि मैं उस लाइन को और लाइट दे के कैसे प्रेजेंट करूँ। देखो ये झटका जो दिया है बहुत उम्मीद के साथ आया और ये चीज़ें यहाँ नहीं मिलती। आमिर खान ने एक झटके में देखा है, अगर वो झटका निकाल दिया वो शॉकिंग मोमेंट निकाल दिया तो इस सीन का कुछ मजा आएगा क्या जितना बोला हुआ है। नहीं मिलती। नो सर। ये देखो इसने नो सर बोलते वक्त सबसे पहले आंखें बंद की, चेहरे पर एक प्लीजेंट स्माइल झूठी स्माइल और उसके बाद बोला है नो सर। नो सर। आप लोग क्या करते हो, कब मेरी लाइन खत्म हो और कब मैं यहाँ से चला जाऊँ शूटिंग से। डर लगा रहता है, डरेंगे शूटिंग में जाने के बाद तो काम कैसे करेंगे। डरता इसलिए इंसान क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, उसको समझ नहीं है। YouTube पर भी जो लोग देख रहे हैं उनको भी बता दूं मैं कि YouTube के ज़रिए वीडियो देखकर सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक ट्रेनर के सामने आकर एक एक सीन पर आप काम नहीं करते प्रैक्टिकली, तब तक ट्रेनिंग कम्प्लीट नहीं हो पाती। घर पे आपको कोई बताने वाला नहीं होता कि करेक्ट क्या है और गलत क्या है। क्या खेला जाएगा ये? क्या खाली टेबल कुर्सी पे खर्चा किया खाने पे? नहीं। अच्छा एक काम कर, जो तेरे दिल को अच्छा लगे वो ले गया बिंदास, पांच छह आइटम बहुत मजा अपने पास, ऐसे तरीके से तू खाने को आना। ओके और सुन फैन चालू कर सर। अरे फैन चालू करना, एसी ऑन सर, एयर कंडीशन चालू है तो इधर घुमा ना। हाँ तो एयर कंडीशन चालू है तो पता चला अपना इंसल्ट हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी एटीट्यूड नहीं जाएगा ना। कैरेक्टर क्या है, गर्लफ्रेंड के सामने है और हर लड़का गर्लफ्रेंड के सामने हीरो ही बनता है और लड़की हीरोइन, तो ठीक है इधर घुमाना। उसका एक बैकग्राउंड भी दिखाया ना कि कहाँ से वो बिलोंग करता है, कहाँ से आया है। अब आगे का सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखो। अब उसको अपने दिल की बात बतानी है, झिझक है। हाँ तो झिझक के लिए आमिर खान ने क्या क्या चीज किए टूल, उसको इस्तेमाल करो। देखो अरे मेरी वो चिकोड़ी का दीपक है ना। दीपक? अरे वो है ना जो उस दिन मिल में मिला था उनको। बोलने का अंदाज बदला, पहले जो एक डॉन एक भाई एक राजा की तरह बैठा था, अब एकदम आशिक बन गया, सॉफ्ट स्पोकन। हाँ वो साइकिल वाला। हाँ वो ही। क्या हुआ उसको? अरे होने का क्या है, सेटल हो गया लाइफ में। सेटल हो गया? सेटल बोले तो शादी हो गया उसका। शादी हो गया उसका? किससे? वो जो उसके वो मोहल्ले में लड़की थी ना, वो चमेली का थी। हाँ। शादी का दोनों ने। हाँ। बहुत खुश है दोनों। अपन भी यही बोलता है, लाइफ में सेटल जाना होता है। हाँ, वो तो डायरेक्टर ने बोला गोल गोल घुमाना है और स्क्रिप्ट दे दी, गोल गोल घुमाना है भाई, क्लियर कट बात नहीं आ रहा। सबसे इम्पोर्टेंट तो क्लाइमैक्स है इसका, ये इस सीन का जो एंड है ना उसमें आमिर खान की असली एक्टिंग है, उसके बारे में बात करता हूँ इसके बाद। तो भी एज मानती है ना, अब भी एज मानता है, लाइफ में सेटल रहना होता है। क्या लाइफ में सेटल रहेगा ना तो जिंदगी सेटल हो जाएगी। मुन्ना ये क्या सेटल सेटल क्या लगा रखा है? अपन क्या बोलता है, अपन ये बोल रहा है कि तू भी एज मानती है ना कि लाइफ में सेटल जाना होता है, अपन भी एज मानता है कि लाइफ में सेटल जाना होता है। बोले तो अभी अभी देख अपन फिर क्या बोलता है, अपन तो इतना ही बोलता ना कि लाइफ में सेटल जाना होता है। कमल जी, कमल जी, जैकी श्रॉफ रियल लाइफ में बहुत राउडी है, बिंदास एकदम, मुंबई का छोकरा होता है ना बिंदास है, लेकिन इसमें आप देखो सादगी सिंप्लिसिटी चेहरे पर इनोसेंस।
हेलो जानते हैं बैटिंग अच्छा करते हैं हीरो होगा तू घर का अभी तो लड़की के सामने मैं ही हीरो इसलिए क्या बोलता जानता है फाइटिंग अच्छा करता है अब वो जो डायलॉग बोला ना मैंने तुम्हें कि किस तरीके से बोलना है सुर ताल रिदम में उन चीजों का ध्यान रखो कमल जी आप यहाँ कैसे ओ कमला कर रहा हूँ ये हमने मिल गया कमला कर रहा हूँ डायरेक्टर कमला कर रहा हूँ अब देखो लड़की क्या बोल रही है डायरेक्टर कमला कर रहा हो तो एक्साइटमेंट अगर होगी तभी तो मजा आएगी ना आंखें बड़ी की है थोड़ा सा मुंह ओपन हुआ है डायलॉग सुनो उसके उसमें भी वो एक्साइटमेंट पता चलती है क्योंकि एक एक्टर को कौन चाहिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर कास्टिंग डायरेक्टर वही उनके लिए भगवान हो जाते हैं क्योंकि काम करना होता है ना तो डेफिनेटली वो एक्साइटेड तो होगी ही वहाँ पर प्रपोज करने आया था और लड़की किसी और के साथ चली गई इंसल्ट हुई है ना yes. अब शुरुआत में आमिर खान ने इसमें राउडी लुक दिखाया रफ एंड टफ बीच के सीन में इमोशनल हो गया कि बोल नहीं पा रहा हूँ आपको अपने पार्टनर के साथ अपना पार्टनर चुन लो और उस पार्टनर के साथ एक सीन लिखना है 5 मिनट का एक सीन लिखना है एक बैकग्राउंड देना है और वो सीन आप मेरे सामने प्रेजेंट करेंगे मंडे को ऐसा कुछ करो कि जिसमें आपको काम करने के लिए मजा आएगी एक फिल्म के बीच का कोई क्लाइमेक्स होगा वैसा उठाओ लेकिन फिल्म का नहीं होना चाहिए वेब सीरीज का भी नहीं होना चाहिए कहीं का नहीं होना चाहिए yes. आपको लिखना है और अपना पार्टनर चुनना है और उस पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करनी है फ्राइडे क्लास होगी क्लास में भी आप राइटिंग प्रोसेस करोगे राइटिंग करोगे या तो राइटिंग कंप्लीट हुई तो प्रैक्टिस करोगे सैटरडे संडे आप लोग प्रैक्टिस करोगे आप अपने लोकेशन पर मिल सकते हो जूम के ज़रिए प्रैक्टिस कर सकते हो या किसी पार्क में आप प्रैक्टिस कर सकते हो सब मिलके और संडे मंडे को हम लोग उसका शूटिंग करेंगे विद कॉस्ट्यूम विद मेकअप विद एवरीथिंग तैयार हो एक्साइटेड हो आज जो जो बातें बताई समझ में आ गई आज का सेशन यहीं ख़त्म करें ओके दोस्तों जो सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं आपको क्या लगा इस वीडियो को देखकर क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताइए और आप भी अपने पार्टनर के साथ इस एक्सरसाइज को कीजिए थैंक यू सो मच टाटा बाय 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 बाय